हाय गाइस, वेलकम बैक टू लर्न एजुकेशन पर। मैं धर्मिमल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज अपनी इस वीडियो में बात करेंगे हम सीटेट का एक अति महत्वपूर्ण थ्योरी, एक टॉपिक है कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। जो कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत था उसे कई नामों से जाना जाता है इस सिद्धांत को। जैसे अगर हम बात करें सोच का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी भी इसे कहते हैं, इसे गैस्टाल्टवादियों का भी सिद्धांत कहते हैं इसे, और इसे दोनों समग्रता या संपूर्णता का भी सिद्धांत इसे कहते हैं। सूज, अंतर्दृष्टि, गैस्टाल्टवाद, ये तीन इम्पोर्टेंट हैं, एक इनसाइट थ्योरी भी इसे कहते हैं। तो गैस्टाल्टवाद जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति जो की उसका जो श्रेय जाता है वो जाता है वर्दीमर को। अब जो गैस्टाल्टवाद शब्द है इसका क्या अर्थ होता है? जो गैस्टाल्टवाद शब्द है वो एक जर्मन भाषा का शब्द है। अब जो जर्मन भाषा में इस शब्द के दो मतलब होते हैं, संपूर्ण या दूसरा हम कह सकते हैं समग्रता। गैस्टाल्टवाद शब्द का अर्थ संपूर्ण या समग्रता से भी लगाया जाता है। तो जो गैस्टाल्टवाद शब्द है ये निकल के आया जर्मन भाषा से और इसका अर्थ होता है संपूर्ण या समग्रता। जो गैस्टाल्टवाद है इसकी जो नींव रखी वो रखी है आपका वर्दीमर ने, जो प्रतिपादक थे इसके गैस्टाल्टवाद शब्द के, यानी गैस्टाल्टवादियों का जो सिद्धांत है वो थे वर्दीमर। और जो इनके ये सहयोगी थे यानी जो कोहलर थे, इन्होंने किया था प्रयोग, जो प्रयोगकर्ता थे वो थे कोहलर, और प्रयोग जो किया जिस पर किया वो था एक वन मानुष, एक सुल्तान नाम का वन मानुष था, बंदर नहीं था दोस्तों, वन मानुष था। एग्जाम में ये भी पूछा गया है DSSB में कि कोहलर के चिंपांजी वन मानुष का क्या नाम था, तो दोस्तों उसका नाम था सुल्तान। जो प्रयोग किया था वो सुल्तान नाम के वन मानुष पे किया। अब जो सहयोगकर्ता थे कोहलर के वो थे कोफ्का, और इसका जो प्रतिपादन वर्ष था वो 1912 दोस्तों। तो गैस्टाल्टवाद जो शब्द है इसकी जो नींव रखी वो रखी वर्दीमर ने, और जो चिंपांजी या वन मानुष पर जो प्रयोग करा था वो थे कोहलर, और कोहलर का जो सहयोग करा वो किया कोफ्का ने, और 1912 में इसका प्रतिपादन किया इस सिद्धांत का, अंतर्दृष्टि और सूज का सिद्धांत। अब ये सूज का सिद्धांत को बताने के लिए जब उन्होंने अपना जो प्रयोग किया कोहलर ने, उसकी एक स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि दोस्तों जो कोहलर थे उन्होंने जो वन मानुष एक सुल्तान नाम का जो सुल्तान था उसे एक रूम के अंदर इन्होंने बंद कर दिया, और रूम में कुछ बॉक्स यानी हम कह सकते हैं ये एक रूम बनाया, और इसके अंदर उन्होंने ये चिंपांजी रख दिया, और इसके अंदर कुछ बॉक्स डाल दिए इस तरीके के बॉक्स, और यहाँ पे लटका दिए कुछ केले। तो जो जो आपका वन मानुष था सुल्तान, वो केलों को केले तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा था। चारों तरफ उसने क्या किया, एनालाइज किया कि मैं किस प्रकार केले तक पहुंच सकता हूँ, किस प्रकार केले को मैं हासिल कर सकता हूँ, उसे भूख लगी, उसने पूरा एनालाइज किया, चारों तरफ देखा, समस्या को पूरी तरीके से इसका निरीक्षण किया कि मैं केलों तक कैसे पहुंच सकता हूँ। तो उसे अचानक से जो बॉक्स थे उसे एक सूझ आई कि बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखकर केलों तक पहुंचा जा सकता है। तो इसी तरीके से उसने केलों को प्राप्त किया, उसने नीचे एक बॉक्स रखा, उसके ऊपर दूसरा बॉक्स रखा, और इसी प्रकार वो केलों तक पहुंच गया। तो इसमें जो उसकी काम किया उसकी सूझ ने, अंतर्दृष्टि ने किया, वहीं से निकल के आया मित्रों सूझ। और इसी के उपरांत उन्होंने एक दूसरा भी प्रयोग किया, दूसरा जो उन्होंने प्रयोग किया वो इस प्रकार किया दोस्तों कि एक
उसी प्रकार एक दूसरे रूम में उन्होंने एक और चिंपांजी को रखा, एक और वनमानुष को रखा, और उसमें केले टांग दिए उसी प्रकार तक। केले टांगने के बाद उन्होंने क्या किया कि कुछ उसमें, अब की बार उन्होंने उसमें बॉक्स नहीं रखे, उन्होंने रखी कुछ स्ट्रीक, कुछ छड़ियां, जो छड़ियां आपस में जुड़ जाती थी अगर उन्हें प्रैक्टिस करके जोड़ा जाए तो, और वो लंबी हो जाती थी, छोटी छोटी थी यानी। तो अचानक खेलते खेलते एक समय ऐसा आया कि जो वन मानुष था उसने उस छड़ियों को जोड़ लिया, और जोड़ने के बाद वो केलों तक पहुंच गया और उसने केलों को प्राप्त कर लिया। अब केले प्राप्त करने के बाद ये सब किसने, जो कोहलर थे उन्होंने देखा, उन्होंने ये प्रयोग किया, उनके जो सहयोगी थे वो थे कोफका। उसके बाद इसका एक शैक्षिक महत्व ये निकल के आता है दोस्तों कि कोई भी अगर हमारे सामने समस्या है तो हमें उसे समग्र रूप से एनालाइज करना चाहिए, उसे देखना चाहिए कि हम इस पर कैसे विजय पा सकते हैं, हम कैसे सीख सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों तो दोस्तों इसमें जो ध्यान रखना है, सीटेट की जो परीक्षा है 2020 की, आई होप वो जुलाई में हो, लेकिन ऐसा कुछ कह नहीं सकते हैं, परीक्षा आगे भी हो सकती है। तो जो परीक्षा है सीटेट की, उसमें कोहलर का सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या इनसाइट थ्योरी, इन नामों से जानी जाता है कोहलर का सिद्धांत। इसके जो प्रतिपादक थे वो थे वर्दीमर, गैस्टाल्टवाद की जो नींव रखी वो रखी वर्दीमर में। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है गैस्टाल्टवाद शब्द का अर्थ क्या है, तो संपूर्ण और समग्रता, और इसकी जो नींव रखी दोस्तों वो कोहलर ने नहीं, वो रखी वर्दीमर ने, वर्दीमर ने नींव रखी। इसकी जो प्रयोग किया, इनसाइड जो थ्योरी दी है, अगर क्वेश्चन आता है कि सूझ का सिद्धांत किसने दिया, तो ऑप्शन में अगर कोहलर है तो हमें कोहलर लगाना है दोस्तों। और उनके सहयोगी कौन थे तो ये भी स्मरण रखना है सभी छात्रों को, वो थे कोफका, और प्रतिपादन वर्ष था 1912 में। और 1959 में जो कोहलर थे उन्होंने साइकोलॉजी, गैस्टाल्टवाद साइकोलॉजी अपनी पुस्तक में उन्होंने पूरा इस शब्द की व्याख्या की कि इस शब्द का जर्मन भाषा में क्या अर्थ है दोस्तों। तो इन सारी चीजों को क्लियर करने के बाद दोस्तों सवाल उठता है कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन बनेगा इनसाइड थ्योरी किसने दी, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया, इसका शैक्षिक महत्व क्या है इसका, कि जब हमारे सामने कोई समस्या होती है तो हम उसे संपूर्ण रूप से उसे देखना चाहिए। अभी मैं कहूं कि 5 केले कितने के आएंगे, जब हमें यही नहीं पता है कि उसका रेट कितना है तो हम कैसे बता पाएंगे। अगर मैं कहूं 2 केले 10 रुपए के हैं तो 20 केले कितने के आएंगे, तो आप बता पाओगे कि 20 केले इतने रुपए के आएंगे। जब तक हम समस्या को पूरी तरीके से एनालाइज नहीं करते, जब तक हम उसे उसमें निपुण नहीं हो सकते हैं दोस्तों। तो ध्यान रहे कोहलर का जो सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, इससे एक दो क्वेश्चन आ सकता है आपकी परीक्षा में। तो ध्यान रखना है किस पर सिद्धांत दिया था, कितने वर्ष में दिया था, और इसके शब्द की क्या क्या उत्पत्ति हुई, कब उत्पत्ति हुई इसकी। और इससे पहले दोस्तों अपनी वीडियो में मैंने प्याजे के बारे में वीडियो भी एक बनाई हुई है, उसमें समझाया हुआ है जो उनका संज्ञानात्मक और मानसिक विकास का सिद्धांत था। तो आप प्लेलिस्ट में जाके एक बार उस वीडियो को भी देख सकते हैं, और भविष्य में आपके जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं, थॉर्नडाइक हो, कोहलबर्ग वाइगोत्स्की हो, या आपका गार्डनर हो, इन सभी के ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूं। तो सीटेट से संबंधित बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट से जुड़ी वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहें। और धन्यवाद दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।